Vivo Y15, how to save contacts। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Vivo के जो फ़ोन है उसमें आप कॉन्टैक्ट्स वगैरह को सेव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको दोस्तों यदि नहीं आता है तो इस वीडियो को यहाँ पर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे सेव किया जाते हैं कॉन्टैक्ट्स को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को क्लिक कीजिए, आपको यहाँ से नोटिफिकेशंस जो है वो मिलते रहेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपका जो अपना फ़ोन डायलर है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें आपको टैप करके ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर जाओगे, आप जिसका भी नंबर जो है उसको सेव करना चाहते हैं उसको यहाँ पर टाइप करें। टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसमें क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नेम ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सारे साथ दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे जो है सेव लोकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको कहाँ पे सेव करना है, जीमेल अकाउंट, सिम या तो फिर फ़ोन पे। ठीक है, कहाँ पे आपको सेव करना है आपका नंबर, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे उस बंदे का जो नेम है उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे अननोन। ठीक है, तो यह मैंने सेव कर दिया। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ डन पे क्लिक करें, उसके बाद ये जो नंबर है आपको कॉन्टेक्ट पर दिख जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो नंबर है वो सेव हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है वीवो के फ़ोन पे नंबर्स को काफ़ी आसानी से सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।